गलवान के शहीद के पिता के साथ पुलिस की बदसलूकी ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है। वैशाली में शहीद के पिता की गिरफ्तारी और पुलिस की मारपीट के आरोपों की गूंज आज बिहार विधानसभा में सुनाई दी। गलवान के शहीद जय किशोर सिंह के पिता के साथ जिस तरीके से बिहार पुलिस ने मारपीट की है और उन्हें जेल भेज दिया है, इसको लेकर अब ये मामला विधानसभा में भी देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं ये सामने आया है और बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है और आप देख सकते हैं विधानसभा के पोटिको के नीचे तमाम यहाँ पर बीजेपी के विधायक मौजूद हैं और हाथों में जो है वो उन्होंने बैनर पोस्टर लिया हुआ है और गलवान के शहीदों का अपमान किया गया है, ऐसे इनके नारे लगाए जा रहे हैं और तमाम लोग यहां पर जो है विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से गलवान के शहीद जय किशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह इस वक्त जेल में हैं और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अपने बेटे की याद में स्मारक बना दिया। शहीद परिवारों का अपमान किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य नहीं है, लेकिन जिस राज्य के मंत्री खुद सेना का को अपमान करने वाला बयान देते हैं, अपमानित करते हैं, गलवान के शहीद के साथ जिस तरह हुआ, घसीटा गया उसके परिवार को, सरकार को शर्म होनी चाहिए। विधानसभा के अंदर बीजेपी नेताओं ने जमकर हंगामा किया तो तेजस्वी यादव ने इसे जमीन का विवाद कहा। लेकिन उनका परिवार की मांग थी नहीं, यहाँ नहीं किसी और के जमीन पे, तो ये संभव नहीं था मौत। दूसरी बात अभी सूचना मिली, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनके पिता को अरेस्ट किया गया है, इसमें इतना जरूर कहेंगे ये महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है महोदय, तो इसमें ना किसी को फंसाया जा रहा है ना किसी को बचाया जा रहा है। उनसे सदन में माफी मांगने के लिए कहा गया लेकिन वो माफी नहीं मांगे, उनको इस्तीफा देना चाहिए मंत्री को, और गलवान के शहीदों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। शहीद के पिता के साथ बदसलूकी के मामले में सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, मामले में जांच और एक्शन का वो भरोसा दे रही है, वहीं बीजेपी लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है। कहीं कोई एक तो उनके परिवार के तरफ से स्मारक बनाया ही नहीं जा रहा था, जहां तक वहां के जनप्रतिनिधि कहे थे कि हम लोग स्मारक बनाएंगे तो जो स्मारक बनाने का कोशिश हो रहा है वो सरकारी जमीन में स्मारक बनाने की बात चल रही थी, लेकिन वहां पे थाना इंचार्ज जो है